हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपके क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या मेजर आपको फैक्टर्स हैं जो कि देखने होते हैं इन दोनों रिएक्शंस के दौरान। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको मेजर जो रिएक्शंस हैं दैट आर SN1 एंड SN2 टाइप। थोड़ा सा SN1 और SN2 को जल्दी से एक रिकॉल मारो। SN1 में क्या होता था भाई, ये टू स्टेप की रिएक्शन हुआ करती थी। टू स्टेप की रिएक्शन थी, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन जनरेट हुआ करता था और सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, अटैक किया करता था आपके उस कार्बोकैटायन स्पीशी में। सिंस यहां पे कार्बोकैटायन स्पीशी जनरेट हुआ करती थी, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि यहां पे आपको रीअरेंजमेंट भी पॉसिबली मिल सकता है, रीअरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे कार्बोकोटाइन इंटरमीडिएट आपको देखने को मिल रहा था, दैट्स वाई आपको जो यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके पास में दो साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटीज होती है, क्योंकि जो C+ है कार्बोकोटाइन जो होता है, दिस एक्चुअली इज अ SP2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीशी और SP2 का जो ज्योमेट्री होती है दैट इज प्लेनर। तो ये क्या होते हैं, प्लेनर स्पीशी हुआ करते हैं और प्लेनैरिटी होने की वजह से आपका इस कार्बोकोटाइन के जो पी ऑर्बिटल, लेट सपोज आपके पास में ये कार्बोकोटाइन है, तो ये कार्बोकोटाइन के पास में ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है। यहां पे ये आपको एक प्लेन में मिलता है और आपके पास में एक एबव और बिलो की तरफ आपको ये जो पी ऑर्बिटल है ये एबव और बिलो की तरफ गई हुई होती है, जिसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल के पास में इधर से भी अटैक करने की टेंडेंसी होती है और इधर से भी अटैक कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होते हैं यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। सो इन्वर्जन भी एंड रिटेंशन दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। नेक्स्ट आपका पॉइंट की बात करते हो, यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो यहाँ का जो सॉल्वेंट होता है दैट इज पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, और पोलर के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट दैट हैव टेंडेंसी टू लिबरेट H+ आयन, प्रोटॉन्स लिबरेट करने की टेंडेंसी होती है। सो प्रोपोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट्स आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे SN1 के केस में। ये आपका क्या होता था, SN1 की बात हुआ करती थी। SN2 की बात करें जल्दी से, SN2 में आप क्या किया करते थे कि यहाँ पे आपके पास में वन स्टेप की रिएक्शन हुआ करती थी। दिस वॉज अ वन स्टेप रिएक्शन और एक स्टेप की रिएक्शन होने पे आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी और जो रिएक्शन था दैट फॉलोज कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का क्या मतलब होता था, कंसर्टेड मैकेनिज्म के होने से मतलब है कि आपका एक ही स्टेप में बॉन्ड के फॉर्मेशंस और बॉन्ड की ब्रेकिंग देखने को मिल रही थी। यहां जो ट्रांजिशन स्टेट हुआ करती थी, दिस ट्रांजिशन स्टेट वॉज अ पेंटावैलेंट कार्बन एटम आपको क्या देखने को मिलता था, जहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होता था दैट द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो आपका जो इंटरमीडिएट होता था वो आपको कुछ ऐसा दिखता था, जहां पे लेट सपोज अगर ये आपका लिविंग ग्रुप है जो निकल रहा है, तो आपका ये हुआ करता था जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हुआ करता था। न्यूक्लियोफाइल आपका बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, अटैक करता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है आपको यहां पे, प्रोडक्ट कैसा मिलता है, प्रोडक्ट 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज अटैच्ड जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ये अटैक कर रहा होता है। तो 100% इन्वर्जन देखने को मिलता है आपका। ये जो है, हमने बोला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस काफी फेवर्ड हुआ करते हैं। कैसे सॉल्वेंट्स आप यूज करते हैं, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आप यहाँ पे इनको फेवर करते हैं इस रिएक्शंस के होने के लिए। तो ये SN2 की बात करते हैं। अच्छा, आगे आ जाओ थोड़ा और, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं मिल रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और जो रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, सो कार्बोकैटायन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन उतना ही फास्ट हो सकता है। सो दैट्स वाई आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन शो करती थी, देन 2 डिग्री फॉलोड बाई 1 डिग्री। बट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पे रिएक्शन बहुत ही ना के बराबर देगी, यहाँ SN1 मैकेनिज्म से तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बोकैटायन 1 डिग्री इतना स्टेबल नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो यहां पे आपको पता है कि देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्योंकि लेस क्राउडिंग होगी,
क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस कार्बन पे जिससे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी उतना ही ज्यादा इसके पास चांसेस कम होंगे अटैक करने के। तो क्राउडिंग जितनी कम हो उतना ही फास्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे हो सकती है। सो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेंगे, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड फॉलोड बाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हाँ, अगर मिथाइल हैलाइड है तो वो तो और भी लेस क्राउडेड है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन से ही लगे हुए हैं। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिथाइल हैलाइड तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर सकती है, जबकि यहां पे 3 डिग्री और यहां मिथाइल सबसे लास्ट में आना चाहिए। इससे और बेटर तरीके से कौन रिएक्शन शो कर सकते हैं? सो एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजील हैलाइड, अगर जो भी है बेंजील हैलाइड, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी प्रेजेंट है, सो बेंजील हैलाइड एज वेल एज आपके क्या एलाइल हैलाइड, क्योंकि इनका जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो हाँ जी ये और भी ज्यादा अच्छे से रिएक्शंस यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो ये SN1 के बारे में और SN2 का हो गया। E1 और E2 में क्या चीजें थी? E1 भी आपका क्या हुआ करता था, E1 एंड E2 की बात करते हैं अब थोड़ा सा। E1 में क्या करते थे आप, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, और एलिमिनेशन आपका बेस कैटलाइज्ड होता है, बेस कैटलाइज्ड है। SN1 SN2 न्यूक्लियोफाइल कैटलाइज्ड, यहां पे क्या है आपके बेस यूज करते हैं। सिंस बेस की बात कर रहे हो आप, डिफरेंस क्या है ये न्यूक्लियोफाइल और बेस में? तो देखो, न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज हैं जो अटैक करते हैं किसी भी ऐसे पोजीशन पर जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि बेस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, लेकिन ये भी अटैक करेंगे किसी ऐसे सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मस्ट बी अ प्रोटॉन। ये सिर्फ और सिर्फ बेस आपको प्रोटॉन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां भी एक्स्ट्रा में है, बेस मींस इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीशी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, बट ये हमेशा किस पे अटैक करेंगे, H+ के अटैक करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट दीज आर हैविंग थर्मल रिएक्शन। इनमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन के होने के लिए, तो यहां पे हीट अगर होगी तो रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेशन होते हैं। ये कुछ बातें हैं जो पहचानने की हैं। बेस की बात करते हो आप, तो बेस में आपको क्या आ जाता है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH आप ले लो, ये आपके बड़े ही फेमस क्या होते हैं यहां पे बेस की कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ये क्या होता है, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में ही आता है और ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि काफी बल्की ग्रुप है तो ये आपका कार्बन तक पहुंच ही नहीं सकता है, कार्बन पे अटैक करने के लिए इसके पास चांसेस बड़े कम है, इसलिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे H+ को खींच सकता है और एज अ बेस एक्ट करता है। E1 और E2 की बातें करते जरा, E1 में क्या है, तो ये भी आपकी 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में यहां भी क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है आपका प्रोटॉन का रिमूवल होता है और एल्कीन आपको प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड स्टेप में क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अच्छा एक बात बताओ, E1 और SN1 थोड़ा सा जरा सब ध्यान से देखो, E1 रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना, SN1 में भी कार्बोकैटायन बना, लेकिन जो सेकंड स्टेप है SN1 का, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, जबकि E1 के सेकंड स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियोफाइल था इसलिए क्या कर रहा था, कार्बन पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां बेस है इसलिए ये प्रोटॉन पे अटैक कर रहा है, प्रोटॉन से बॉन्ड बनाने के लिए, तो प्रोटॉन को लेकर के जाने वाला है और इस वजह से आपको क्या होगा, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। सो यहां रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मिलेगा E1 के केस में। फिर फर्दर बात करते हो यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो देखो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बात करते हो तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करेगी, देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। रीजन, क्योंकि देखो कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो भाई आपका इसकी स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बोकैटायन 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल बनेगा, देन 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। तो ये आपका क्या हुआ, रिएक्टिविटी हो गई ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, क्योंकि आपको प्लेनर पोजीशन यहां पे देखने को मिल रही है, प्रोटॉन निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आपके प्रोटॉन्स निकाले जा सकते हैं SN1 के केस में। अगर E2 की बात करते हैं वही, तो ये क्या होते हैं, यहां पे आपका ये 1 स्टेप की रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है और यहां पे आप क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पाते हैं, सॉरी आपका ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसी होती है, कुछ कुछ एल्कीन के जैसे हमको देखने को मिल रही होती है, सो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। और बात करते हैं अगर यहां पे
बात करते हैं अगर यहां पे ट्रांजिशन स्टेट आने का मतलब है कि ये भी क्या है, कंसर्टेड मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या है, एक ही स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों देखने को मिल रहा होता है। सो वन स्टेप की रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी, और क्योंकि यहां पे एक स्टेप में ही लीविंग ग्रुप निकल रहा है और प्रोटॉन निकल रहा होता है, तो यहां पे आपके जो लीविंग ग्रुप और प्रोटॉन का रिमूवल है ये आपके एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। एंटी पेरिप्लेनर होते हैं मींस जो ग्रुप्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन जो निकल रहा है लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा, निकलेगा बीटा पोजीशन से। जो आपका क्या निकल रहा है, H+ निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज पर होना चाहिए एक दूसरे प्लेन में आपका। यहां पे क्या हुआ, तो एंटी पेरिप्लेनर आपको ज्योमेट्री देखने को मिल रही होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहां बात करते हैं अगर इसके हैलाइड की, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर की, सिंस आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, लुक लाइक एल्कीन, लुक्स लाइक एल्कीन, यहां पे एल्कीन के जैसा ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल रहा है। एंड एल्कीन की स्टेबिलिटी जो होती है दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट। तो आपका जितना ज्यादा क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन से होंगे, मींस दैट मच सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो एल्कीन में आपको देखना है यहां पे जितना ज्यादा क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो। सो इसकी ऑर्डर भी क्या देखने हैं हम कि RX 3 डिग्री यहां पे क्या होगा, ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री एल्किल हैलाइड फॉलोड बाई 2 डिग्री फॉलोड बाई 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहां पे क्या होगा, ये होगा इसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। फर्क क्या रह गया भाई, यहां फर्क है कि आप यहां बेस अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव करके ये क्या करेंगे आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देते हैं, और यहां पे आप क्या यूज करते हैं, हीट भी देखने को पाते हैं सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप तो सेम है, पहला स्टेप तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या है, यहां पे आपको हीट देने देखने को मिल रहा होता है E1 के केस में, SN1 के केस में। E2 की बात करेंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कराते हैं, तब आपको रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है एंड आपको क्या करते हैं यहां पे प्रोडक्ट दे देते हैं। तो ये है आपका SN1 E1 और E2 और SN2 के बारे में जो भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें हैं। आई होप इससे आपका फुल रिवीजन जरूर हो जाएगा। बाकी भी अगर और कोई पॉइंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।